हाई क्लास 11, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट नेचर ऑफ कैथोड रे। प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी टॉक अबाउट टू द कैथोड रे। वहाँ पे हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे हमने किस चीज़ की स्टडी करी थी? हमने एक वैक्यूम लिया था और एक ट्यूब ले रखी थी और दोनों को क्या कर रखा था, दोनों इलेक्ट्रोड हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करा था। वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड चार्ज यानी कि बैटरी के चार्ज इंक्रीज करते जा रहे थे, आफ्टर दैट हमें उसके बाद क्या मिला कि जो ये इलेक्ट्रोड था नेगेटिव वाट था, यहाँ से कुछ रे निकल ट्रेवल करनी शुरू हो गई थी। उनको हमने क्या नाम दिया था वहाँ पे, उसका नाम दिया था हम लोगों ने कैथोड रे के नाम से दिया था उनको। आज हम जो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वह है नेचर ऑफ कैथोड रे, कि जो ये कैथोड रे होता है इसका नेचर किस टाइप के हमारे पास देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड टू एनोड्स। इट मीन्स कैथोड रे जो स्टार्ट होती है कैथोड से, यहाँ से होती है और कहाँ मूव करती है, एनोड की तरफ। ये रहा एनोड, इस एनोड की तरफ क्या हो रही, कैथोड रे मूव कर रही है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन साइड द ट्यूब, अगर हम क्या कर लें कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को इन साइड द ट्यूब के अंदर रख लें, ठीक है, इन साइड द ट्यूब द कास्ट ऑफ साइड ऑन द वॉल अपोजिट साइड ऑफ कैथोड। यहाँ पे क्या होगी, जो हमने इसके अंदर एक मेटल को रख ले, मेटल की प्लेट को रख ले, तो जब ये रे यहाँ से ट्रेवल करेगी, रे यहाँ से ट्रेवल करेगी तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी जो शैडो बनेगी, इसकी इस मेटल की शैडो बनेगी, अपोजिट बनेगी किसके, कैथोड रे के। कैथोड रे का अपोजिट कौन सा होगा, ये एनोड। इसके पीछे बैक साइड में क्या होगा, इसकी जो शैडो बनेगी। दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट कैथोड रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ होता है कि जो ये कैथोड रे है जब ये शैडो बन रही ठीक इसके पीछे, तो हमें ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो कैथोड रे करती है वो ट्रेवल करती कहाँ पे करती है, एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर दिया। अगर हम क्या करें यहाँ पे सेकंड थिंग्स देखेंगे, दीज रे देमसेल्फ आर नॉट इनविजिबल, जो ये रे होती है हमारे पास एक ऐसी होती है इनविजिबल होती है, बट दियर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ काइंड्स ऑफ मटेरियल। अगर हमें इसका बिहेवियर को चेक करना है कि किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को लगाना पड़ेगा। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम जैसे लगाते हैं तो कैथोड रे जैसे इस पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे ग्लो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास नाउ टॉक अबाउट टू द नेक्स्ट डायग्राम में क्या कह रहा है कि द कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्मॉल पेडल्स व्हील इज द प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जो हमारे पास सेकंड वाले में हमें देखता है कि कैथोड रे क्या करता है, मैकेनिकल इफेक्ट को भी शो करता है। यहाँ पे जो हमारे पास कैथोड रे है ये क्या करता है, मैकेनिकल इफेक्ट को भी शो करता है। यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक क्या करते हैं, या एक स्मॉल पैडल लगा लेते हैं, लाइट वेट वाला पैडल व्हील लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं जब ये इसको फिर हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है तो ये व्हील क्या करता है, ये व्हील रोटेट करता है, ये व्हील हमारे पास क्या होता है, रोटेट करने लग जाता है। मतलब हमने इट मीन्स जो ट्यूब के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक व्हील लगा रखा, लाइट वेट वाला व्हील लगा रखा है, तो हमें ये पता चला था इसमें कि जो कैथोड रे है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये कैथोड रे इसमें भी वही सेम दैट प्रोसेस हो रही, ट्रेवल कर रही, लेकिन ट्रेवल के साथ साथ क्या हो रहा है, जो लाइट वेट और व्हील है ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये रोटेशन करने लग जा रहा है। द कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्मॉल पैडल व्हील इन प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इट रोटेट्स दिस इंडिकेट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इट मीन्स जो हमारे पास इस कंक्लूड के बेस पे हम कह सकते हैं कि कैथोड रे क्या करती है, मैकेनिकल इफेक्ट को भी शो करती है। हमारे पास नेक्स्ट वाला है, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज रे इन ट्रेवल स्ट्रेट लाइन।
अगर हमारे पास नेक्स्ट हम सोचें कि हमने ये तो देख लिया कि कैथोड रे क्या करती है, शैडो बनाती है, इससे हमें पता चल गया कि कैथोड रे ट्रेवल स्टेट लाइन में करती है। दूसरा हमें पता चला कि कैथोड रे क्या किसका बिहेवियर करती है, हमारे पास मैकेनिकल इफेक्ट को भी शो करती है। लेकिन एक और चीज़ हमें जो सेकंड थिंग्स ये जाननी है कि कैथोड रे पे क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर पड़ता है, इस चीज को जानने के लिए हमें ये थर्ड वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या करता है, अगर हमारे पास क्या है अब्सेंस ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो कैथोड रे क्या करती, ट्रेवल करती किसमें, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो हम देखेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द कैथोड रे वॉज स्टडी बाई जे जे थॉम्सन इन 1897। द डिस्चार्ज ट्यूब वॉज मोडिफाइड अकॉर्डिंग टू पेयर ऑफ मेटल्स, दिस वेन दीज रे गिव्स अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, द बीम्स ऑफ कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये कैथोड रे है हमारे पास, ये हमारे पास एक कैथोड है, एक एनोड है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक प्लेट को लगा दिया जिसका चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, और दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दिया हमने जिसका चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कैथोड रे ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन पे, ये अब क्या करती है, जो ट्रेवल करती है ये किसकी तरफ करती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करने लग जाती है। तो कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स टू द प्लस बीई चार्ज। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द कैथोड रे मेड इन द पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द कैथोड रे आर मेड टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर डिफ्लेक्शन इन टू क्रॉस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पार्टिकल्स। दिस एक्सपेरिमेंट शो द मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली अफेक्टेड टू द कैथोड रे। इट मीन्स जब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कैथोड रे ट्रेवल करती है किसकी तरफ, यहाँ पे हम लोग दो मैग्नेट यूज कर लेते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज से हमारे पास क्या हो रही है, जो कैथोड रे निकल रही है इसमें कैथोड से तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन करती है किसकी तरफ, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे किसकी तरफ करती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यानी नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पे हमें इस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे पास कैथोड रे है उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट वो शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द कैथोड रे आर अलाउ द स्ट्राइक द मेटल फॉइल गेट हीटेड अप। इट मीन्स अगर हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे कैथोड रे जो ट्रेवल कर रही है इस टाइप से, अगर यहाँ पे कोई मेटल की फॉइल यूज कर लूँ मैं, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे अगर हम लोग क्या करें कि मेटल की फॉइल को यूज कर लेते हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट ये जो होगी हमारे पास जो मेटल की जो फॉइल होगी ये हीटेड हो जाएगी, ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द कैथोड रे अप टू स्ट्राइक द ग्लास ऑफ द सर्टेन मटेरियल काउज ग्लो ग्लो प्रोड्यूस। इट मीन्स अगर हमारे पास क्या करें, हम यहाँ पे फ्लोरोसेंट को भी यूज करें तो यहाँ पे भी ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। द कैथोड रे इफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हमारे को कैथोड रे का दिखता है वो कहाँ पे दिखता है, फोटोग्राफिक प्लेट्स के रूप में दिखता है।